नीमच स्वास्थ्य विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी डीपीएम अर्चना राठौर ने प्रिंटिंग और किराए पर वाहन लेने के नाम पर 5 करोड़ रुपए का घोटाला किया है, जिसका खुलासा स्वास्थ्य विभाग की संभागीय जांच टीम ने किया है। नीमच स्वास्थ्य विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी डीपीएम अर्चना राठौर ने प्रिंटिंग और किराए पर वाहन लेने के नाम पर 5 करोड़ रुपए का घोटाला कर डाला। यह घोटाला तत्कालीन लेखा अधिकारी के साथ मिलकर किया है। लंबे समय से नीमच में विवादित अधिकारी अर्चना राठौर का यह कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई घोटाले कर चुकी है। इस बार प्रिंटिंग और किराए पर वाहन लेने के नाम पर 5 करोड़ के घोटाले का खुलासा स्वास्थ्य विभाग की संभागीय जांच टीम ने किया। कमेटी ने जांच के दौरान किराए पर वाहन लेने के नाम पर 52,99,000 रुपये और प्रिंटिंग के नाम पर 34,56,000 रुपये की गड़बड़ी पकड़ी है। इस मामले में डीपीएम अर्चना राठौर और तत्कालीन लेखा अधिकारी सुनीता साकेत को नोटिस जारी किए गए हैं। इधर जांच कमेटी ने इस घोटाले की रिपोर्ट नीमच कलेक्टर और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के डायरेक्टर को भेजी है। अर्चना राठौर पहले भी नीमच में वाहन किराए पर लेने के नाम पर घोटाले कर चुकी है। अर्चना राठौर ने कई बिलों का भुगतान इस तरह से किया कि देखने वाले भी हैरत में पड़ जाए। 3 किलोमीटर के बिल के 3,000 रुपये तक लिए गए। इसकी शिकायत पहले भी कलेक्टर और CMHO को हुई थी। अर्चना राठौर पहले नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार का रिश्तेदार बनाकर अफसरों को दबाती थी। इस मामले की शिकायत जब विधायक दिलीप सिंह परिहार को हुई तो उन्होंने खुद अर्चना राठौर के खिलाफ कार्रवाई के लिए कलेक्टर को पत्र लिखा था और विधानसभा प्रश्न लगाया था।